हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली यार आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पैनासोनिक के 5.1 होम थिएटर की अनबॉक्सिंग, वो भी दोस्तों सबसे पहले हिंदी में। सर दोस्तों इस तरीके का कंटेंट आपको केवल हमारे चैनल पर मिलता है, सो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। एंड अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे सो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों यार आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, सो प्लीज अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है पैनासोनिक SCHT550GWK। एंड दोस्तों अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है ओनली 9999 रुपीज। दोस्तों अगर आपको ये मॉडल को परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस मॉडल का परचेजिंग दे दूंगा, जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको लेटेस्ट प्राइस भी जानना होगा कि यार अभी इस मॉडल का क्या लेटेस्ट प्राइस चल रहा है, सो डिस्क्रिप्शन में मैं जो परचेज लिंक दूंगा आपको, जाकर आप वहां पे से चेक कर लीजिएगा कि यार अभी इस मॉडल का लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है। सो दोस्तों आज हम इस मॉडल को अनबॉक्स करेंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करेंगे, साथ में दोस्तों साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। बाकी दोस्तों यार देखते हैं कि यार ये मॉडल 10,000 के हिसाब से बढ़िया ऑप्शन है या नहीं है, सो ये चीज भी आज हम देखने वाले हैं। सो एक बार आपसे और कहता हूं यार वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आपको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों यार ये वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है, सो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे साउंड टेस्ट डालने वाले हैं इंस्टाग्राम पर, सो इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों यह है हमारा पैनासोनिक SCHT550GWK 5.1 होम थिएटर का बॉक्स। देख लीजिए दोस्तों बॉक्स पर हमें मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ मिल जाता है, साथ में दोस्तों इस पर हमें 150 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिल जाता है। सो देखेंगे कि यार बेस क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है। दोस्तों हमें इस पर ब्लूटूथ की वायरलेस कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0। हमें USB की कनेक्टिविटी भी मिलती है, ऑक्स की कनेक्टिविटी मिलती है, साथ में दोस्तों हम सारे सैटेलाइट स्पीकर्स को वॉल माउंट भी कर सकते हैं, एंड हमें रिमोट कंट्रोल भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है। दोस्तों बॉक्स पर हमें मॉडल का डिज़ाइन भी बना हुआ मिल जाता है। सो यार फटाफट से अपने बॉक्स को ओपन करते हैं एंड आपको हर एक चीज़ को डिटेल पे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों बॉक्स हमारा ओपन हो गया है, हमें पेपर वर्क्स मिल जाता है, थोड़ी केबल्स भी मिल जाती है। तो सारा सामान को पहले मैं बॉक्स से बाहर निकालता हूँ एंड आपको थोड़ा दिखा देता हूँ डिटेल पे। दोस्तों सबसे पहले हमें वारंटी कार्ड इस पर मिल जाता है, हमें यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र मैनुअल पर मिल जाएगी। साथ में दोस्तों हमें 3 RCA to RCA केबल मिल जाती है DVD से कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको मतलब सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस करना है इस सिस्टम में तो आप DVD के साथ कनेक्ट करके सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस पा सकते हैं, सो उसके लिए हमें 3 RCA to RCA केबल मिल जाती है। साथ में दोस्तों हमें ऑक्स केबल भी मिल जाती है, हमें वॉल माउंट किट भी मिल जाती है, यानी कि हम सैटेलाइट स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं वॉल माउंट के लिए, सो उसके लिए हमें स्क्रूज भी मिल जाते हैं, साथ में 2 बैटरीज मिल जाती हैं रिमोट कंट्रोल के लिए। दोस्तों रिमोट कंट्रोल भी हमें बॉक्स के अंदर मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल का डिज़ाइन हमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी जो है रिमोट कंट्रोल की वो डिसेंट है, हम अपने सिस्टम को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के थ्रू। सो मैं अब आपको रिमोट कंट्रोल को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों हम मोड को चेंज कर सकते हैं, इनपुट का बटन हमें मिल जाता है, साथ में दोस्तों हम इक्वलाइजर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी बढ़िया है, इक्वलाइजर का बटन भी हमें मिल जाता है। साथ में हम वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, प्ले पॉज भी कर सकते हैं, साथ में प्रीवियस नेक्स्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों हम इस सिस्टम को 2.1 चैनल पर भी यूज़ कर सकते हैं एंड 5.1 चैनल पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी देख लीजिए बटन हमें मिल जाता है। साथ में हम बेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड ट्रेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम रियर स्पीकर्स यानी कि सराउंड स्पीकर्स की वॉल्यूम को भी अलग से एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें बटन मिल जाते हैं। सो पूरा सिस्टम को दोस्तों हम रिमोट कंट्रोल से पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों अब अपने सैटेलाइट स्पीकर्स को बॉक्स से बाहर निकालते हैं, सारे स्पीकर्स को बॉक्स से बाहर निकालते हैं, अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने सैटेलाइट स्पीकर्स को अनरैप कर दिया है।
दोस्तों मैं आपको एक ही सैटेलाइट स्पीकर को डिटेल पे दिखाऊंगा, क्योंकि जो 4 सैटेलाइट स्पीकर हैं वो हमें सेमी डिज़ाइन के मिलते हैं, यानी कि फ्रंट राइट लेफ्ट के, सराउंड राइट लेफ्ट के जो स्पीकर्स हैं दोस्तों वो सारे हमें सेमी डिज़ाइन के मिलते हैं। सो मैं आपको एक ही को डिटेल पे दिखाऊंगा। देख लीजिए दोस्तों यार, जो सैटेलाइट स्पीकर्स का डिज़ाइन है वो हमें काफ़ी बढ़िया लगा है, मतलब काफ़ी सिमिलर है पैनासोनिक का जो 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम आता है, पैनासोनिक SC-ST40GW के, दोस्तों उसी की तरह डिज़ाइन में हमें ये मिल रहे हैं, मतलब कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करा गया है। सामने की तरफ से दोस्तों हमें 3 इंच का ड्राइवर मिल जाता है, बट ये चीज़ भी मेंशन नहीं करी गई है कि कितने वॉट्स का है। एंड नीचे से देख लीजिए, पैनासोनिक की ब्रांडिंग हमें मिल जाती है। दोस्तों बाकी के सैटेलाइट स्पीकर्स पर भी हमें 3-3 इंच के ड्राइवर्स लगे हुए मिल जाते हैं सभी पर। एंड बैक साइड पर देख लीजिए, हमें वॉल माउंट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि हम सैटेलाइट स्पीकर्स को वॉल माउंट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यार, बिल्ड क्वालिटी जो है सैटेलाइट स्पीकर्स की वो हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। बट दोस्तों यार, जो सेंटर स्पीकर है उसका डिज़ाइन देख लीजिए, हमें थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिलता है। एंड इस पर भी देख लीजिए, पैनासोनिक की ब्रांडिंग हमें नीचे से देखने को मिलती है, सामने की तरफ से 3 इंच का ड्राइवर भी मिलता है, एंड हम इसे भी वॉल माउंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों यार, बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे सैटेलाइट स्पीकर्स काफ़ी बढ़िया लगे हैं। दोस्तों अब अपने सबवूफर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। सो सबसे पहले हम थर्माकोल को हटाते हैं एंड सबवूफर को बॉक्स से बाहर निकाल के अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सबवूफर को भी अनरैप कर दिया है। दोस्तों यार, इसका भी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल हमें पैनासोनिक SC-ST40GW के 4.1 की तरह ही देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं करा गया है। दोस्तों सामने की तरफ से ही हमें 6.5 इंच का सबवूफर इस पर मिल जाता है, एंड नीचे से देख लीजिए, पैनासोनिक की ब्रांडिंग हमें मिल जाती है। दोस्तों साइड से देख लीजिए, हमें USB पोर्ट मिल जाता है। बाकी बैक साइड पर देख लीजिए, हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। दोस्तों हमें इनपुट पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हमें ऑक्स पोर्ट मिलता है, यानी कि हम इस सिस्टम को अपने TV, PC, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देख लीजिए, हमें 5.1 चैनल का इनपुट पोर्ट भी इस पर मिल जाता है, यानी कि हम इस सिस्टम को DVD प्लेयर के साथ कनेक्ट करके 5.1 चैनल का सराउंड साउंड भी पा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, हमें RCA केबल भी बॉक्स पर मिल जाती है। दोस्तों हमें आउटपुट पोर्ट्स भी बैक साइड पर ही मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे सारे सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट होंगे। देख लीजिए, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, सराउंड राइट, सराउंड लेफ्ट एंड सेंटर। दोस्तों इस साइड पर देख लीजिए, हमें नीचे से बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाता है, यानी कि होल जहां से एयर पास होगी। एंड दोस्तों हमें टॉप पर देख लीजिए, वॉल्यूम नोब इस पर मिल जाती है, यानी कि हम यहां पर से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस सिस्टम पर हमें LED डिस्प्ले नहीं मिलता है, सो हमें देख लीजिए इंडिकेटर मिल जाते हैं वॉल्यूम के लिए, बेस के लिए एंड ट्रेबल के लिए। एंड हमें टच सेंसिटिव बटन्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि मोड का, प्ले पॉज, प्रीवियस नेक्स्ट, ये सारे टच सेंसिटिव बटन्स हमें टॉप पर मिल जाते हैं। दोस्तों अब अपने सिस्टम को पावर ऑन कर लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, जैसे ही हमने सिस्टम को पावर ऑन करा, ब्लू कलर की लाइट जलने लग गई है सामने की तरफ से। एंड देख लीजिए, ऊपर से जो हमें LED इंडिकेटर मिलता है, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो देख लीजिए वो ब्लिंक कर रहा है। जैसे दोस्तों हमारी वॉल्यूम फुल हो जाएगी तो LED इंडिकेटर ब्लिंक करना बंद कर देगा। ये चीज़ दोस्तों हम जब ट्रेबल, बेस, इन सब चीज़ों को एडजस्ट करेंगे तो जैसे ही फुल हो जाएगा तो वहाँ पर वो ब्लिंक करना बंद कर देगा। सो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमने फुल कर दिया है सब कुछ। दोस्तों अब अपने सिस्टम का फर्स्ट अटैम्प्ट साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा एंड रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आ जाएगा।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस मॉडल का फर्स्ट अटेम्प्ट में साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसा लगा है उसका जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार मुझे ये ओवरऑल कैसा लगा है। बाकी एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा, रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आने वाला है। एंड डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो में आपको हर एक चीज के बारे में काफी क्लियर पे पता लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस मॉडल को हम इंडोर पे टेस्ट करेंगे, अपने टीवी के साथ भी कनेक्ट करने वाले एंड आउटडोर पे भी टेस्ट करेंगे। सो डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो का वेट जरूर से करेगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं कि यार मुझे ये मॉडल कैसा लगा है। दोस्तों यार फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे वैसे इस मॉडल की साउंड क्वालिटी बढ़िया लगी है, बट अभी मैं अपना फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे काफी डिटेल में टेस्ट करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर मैं फीचर्स के हिसाब से बात करूं ना, तो यार फीचर्स मुझे इसमें उतने बेटर नहीं लगे, जबकि इसका प्राइस है 10,000 रुपीस। सो 10,000 के हिसाब से दोस्तों यार फीचर्स में कमी कर रखी है पैनासोनिक ने। दोस्तों यार इस पर हमें LED डिस्प्ले नहीं मिलता है, HDMI ARC का पोर्ट नहीं मिलता है, ना ही हमें ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है। जबकि अगर हम मोटोरोला या बोट या जेब्रोनिक्स को देखें तो दोस्तों उनके मॉडल्स पर हमें ये सारी फैसिलिटी देखने को मिल रही है। तो यार यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कमी लगी है, ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए थी या इसका प्राइस थोड़ा सा कम रखना चाहिए था। फीचर्स वाइज ये सीरियसली नहीं पसंद आया है। बाकी दोस्तों यार अगर आप ये सोचे कि ये 5.1 चैनल है एंड आप इसे टीवी के लिए परचेस करें, तो यार वहाँ पर भी मुझे लगता नहीं कि उतना बेटर ऑप्शन ये होने वाला है। बाकी साउंड टेस्ट में ही पता लगेगा एक्चुअल में तो किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यार इस पर हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यार ये चीज भी आप ध्यान पे रखिएगा। सर ओवरऑल दोस्तों मुझे इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो पसंद आई है, बट यार फीचर्स में उतना पसंद ये नहीं आया है। बाकी दोस्तों यार अगला जो पार्ट आने वाला है उस पर हम इसका डिटेल पे साउंड टेस्ट करेंगे एंड तब आपको बताएंगे कि यार ये मॉडल साउंड क्वालिटी में कैसा है। हाँ फीचर्स तो जैसे कि नहीं मिलते हैं, बट क्या पता साउंड क्वालिटी इसकी बहुत तगड़ी हमें मिले। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो अच्छी लग रही है, अब डिटेल साउंड टेस्ट करके देखेंगे तभी एक्चुअल में पता लगेगा। क्योंकि आप सबको बताया यार लॉजिटेक पे भी हमें बहुत ही कम फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट यार साउंड क्वालिटी एक नंबर हमें मिलती है। एंड हम आज की डेट में भी लॉजिटेक को आपको रिकमेंड करते हैं कि यार आप लॉजिटेक परचेस करिए। सो उस हिसाब से दोस्तों हम इस मॉडल का जब डिटेल साउंड टेस्ट करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस आपको टू बी ऑनेस्ट शेयर करके बताएंगे। सो दोस्तों ये था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।